आप देख सकते हो ये सिंथन सड़क के जो है वो विजुअल्स हैं, मैं यहाँ से जो है इस वक्त हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और मैं बता दूं कि सड़क काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सड़क पे जो है वो कोई भी पैरापेट्स नहीं लगे हैं, ना ही इसको साइड पे जो है वो प्रोटेक्शन से किसी तरह की, और अगर अल्लाह के ना करे कि अगर थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर हुई ड्राइव करते हुए तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो मेरी इसलिए जो ड्राइवर हजरात इस सड़क पर चलते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो मोहतात बरतें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी इस वीडियो के ज़रिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो क्योंकि ये नेशनल हाईवे 244 है और इस पे जो है वो पैरापेट्स और वो लगाने की ज़रूरत है, और साइड पर जो है वो इसको डंगे देने की भी ज़रूरत है, और जो प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स है वो देखने की ज़रूरत है। हालांकि सड़क जो है वो काफ़ी अच्छी हो, और इसमें बीच बीच में जो है वो कहीं गड्ढे हैं, उनको जो है वो फिलअप करने की जो है वो ज़रूरत है। आप देख सकते हो विजुअल्स में, मतलब ये काफ़ी अच्छी सड़क है। आगे चलकर क्योंकि अब विंटर आना है, बर्फबारी होनी है, स्लिपरी कंडीशंस भी होंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट है और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है वो स्टेप्स ऑलरेडी लेकर रखे, क्योंकि पिछले साल भी सनो क्लीनेंस जो है वो यहाँ पर की गई थी, यहाँ पर सनो कटर जो है वो अवेलेबल रखे गए थे, और तकरीबन सिर्फ एक या डेढ़ महीना जो है ये सड़क बंद रही थी। और ये क्योंकि ये एक बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया है, और अगर हम बात करें खासतौर पर मड़वा और वड़वन का जो इलाका है, जहाँ 30-40 हज़ार की आबादी है, वहाँ ना कम्युनिकेशन है ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, और उनके लिए जो है ये लाइफ लाइन है सिंथन टाप की सड़क और मरगन टाप की सड़क। अगर वो ये लोग जो नॉर्मल रूटीन वाला जो बहनाल के ज़रिए जो रामबन के ज़रिए सड़क आती है उससे जो है वो तकरीबन उनको 80-90 या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ता, लेकिन इस सड़क से जो है वो उनको ये सफ़र जो है वो आसान होता है। और क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर लोकल जो है वो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, वहाँ पर दूध दही सामान जो भी चीज़ें हैं राशन जो है वो या तो श्रीनगर से जाता है या किश्तवाड़ से जाता है, और लोगों को अक्सर काम भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, बीमार लोग होते हैं उनका इनके इलाज के लिए जो है वो आना पड़ता है यहाँ पर, उसके लिए भी जो है वो लोग इसी सड़क पर डिपेंडेंट हैं। तो इस बार जो है वो इंशाल्लाह ये सड़क जो है वो ज़्यादा देर तक खुली रहेगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। आप देखिए हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो यहाँ से हो रही है, मुझे जो है वो दिख रहा है, शायद आपको कैमरे में जो है वो दिखे ना दिखे, लेकिन क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो जो साथ साथ में जो है वो मैं ये दिख रहा हूँ कि जो जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ये हवा के साथ जो है वो बर्फीले तोदे आ रहे हैं, क्योंकि जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है हुई है यहाँ पर। और ये देखिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिज़्म के लिहाज से जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक हब है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो नियामत बख्शी है टूरिज़्म की, तभी इसको जन्नतुल कश्मीर कहा जाता है। यानी कि जो कश्मीर है वो सिर्फ श्रीनगर नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका जो है वो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है ये पूरा इलाका, हम एक हैं। जितना खूबसूरत अगर हम देखें गुलमर्ग है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो वड़वन है, मड़वा के इलाके हैं, मड़वा का जो तत्ता पानी है वो काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, घुटनों का इलाज होता है, किसी को मोटापा होता है, जो भी वहाँ पर उधर नाता है तो उसको जो है वो काफ़ी बीमारियों से जो है वो शफा होता है, अस्थमा से शफा होता है, इसलिए जो है वो लोग आते रहते हैं। और इस बार वड़वन में भी जो है वो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी जो है वो इस साल काफ़ी जो है वो रश रहा, क्योंकि वड़वन जो है वो काफ़ी सर्द इलाका है, वहाँ पर अभी टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले चंद दिनों पहले कुछ वीडियोस भी चलाए थे वड़वन के, जहाँ पर हमने वहाँ का जो खूबसूरत इलाका है उसको जो है वो दिखाया था आपको कि कितना खूबसूरत जो है मड़वा का जो इलाका है वो है, इसी तरह से वड़वन का इलाका खूबसूरत है। तो हमें वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो है स्टे एट होम जो है वो उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के लोगों को जो है वो फाइनेंसिंग की जाए कि वो
वहाँ पर जो है वो दो या तीन कमरे जो है वो हर एक शख्स जो है वो घर में बनाए, ताकि जो भी टूरिस्ट वहाँ आए वो स्टे उनके घरों में करें, वो उनको एज पेइंग गेस्ट जो है वो उनको खाना दे वहाँ पर, एकोमोडेशन दे, ताकि लोगों का जो है वो गुजारा चल सके। क्योंकि जो मड़वा और वाड़वन का इलाका जो है वो काफ़ी गरीब इलाका है, और हमने देखा वहाँ पर कि किस तरह की गुर्बत है, और जो वाड़वन का इलाका जिसमें आग लगी थी चंद हफ्तों पहले, वो भी जो है वो एक बहुत गुर्बत ज़्यादा इलाका है। मैं बता दूँ 2008-09 में मरगी का पूरा इलाका जो है वो गाँव जल गया था, वहाँ पर 182 घर थे, उसके बाद चौहद्रमन जला, उसके बाद सुकनई जला, इसी तरह से कदरीना जला, कई गाँव जो है वो आग की वजह से जो है वो खाकस्तर हो गए हैं इस एरिया में। आप देख सकते हो जैसे कि हमने दिखाया पिछले दिनों वाड़वन का जो इलाका है मूल वाड़वन, वहाँ जो है वो किस तरह से जो है वो आग का जो हादसा हुआ था उसने पूरे गाँवों को जो है वो उसमें जो है वो एक तरह से राख का ढेर बना दिया। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ टूरिज्म पहुँचता है तो तभी जाकर जो है वो उनकी किस्मत जो है वो लोगों को जो है वो बदल सकती है, वो लोग अपनी गुर्बत को जो है वो दूर कर सकते हैं। तो जाहिर सी तौर से बात है इसमें एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस है, और अब चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट का है। हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो चीफ मिनिस्टर से मिलें, मिनिस्टरों से मिलें, उनके एडवाइज़र से मिले, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उनके साथ मिले, ताकि जो यहाँ का किश्तवाड़ का टूरिज़्म है, चाहे वो बिमलनाथ का टूरिज़्म हो, चाहे वो आप देखिए छात्रों का जो है वो टूरिज़्म है, टनल पॉइंट है, संकूरा है, यहाँ पर बड़े बड़े इलाके हैं। अगर हम बॉर्डर की बात करें, अल्लाह के फजल से बॉर्डर जो है वो एक नहायत ही खूबसूरत इलाका है, और वहाँ पर पिलग्रिमेज टूरिज़्म को जो है वो एक बहुत बड़ा स्कोप है। इस बार जो मचेल यात्रा है वो तकरीबन 3 लाख यात्री जो है वो इस बार आए, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी एफर्ट्स किए, और उसके लिए जो है वो हम सबका डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव के भी जो है वो शुक्रगुजार हैं कि वो जो है उन्होंने उस चीज़ को जो है वो वहाँ पर टेकअप किया, और उसको डिफरेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इस यात्रा को जो है वो सक्सेसफुल बनाया। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊँ आपको कि हमारी कोशिशें भी लगी है कि इन एरियाज में जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो कम से कम कुछ होटल्स कंस्ट्रक्ट करें, कुछ लीज पे जो है वो दिया जाए उनको, वहाँ पर ज़मीन है वो भी एक प्रोविज़न है, ताकि वहाँ पर कुछ ऐसे होटल बने जो 100-200 कमरे जिनके पास हो, ताकि वो यात्रियों को एकोमोडेट कर सके। यात्री निवास भी जो है वो वहाँ पर बना हुआ है, और क्योंकि अब मचेल माता बोर्ड जो है वो उसका चेयरमैन जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ होता है, और अब सरकार ने उसको सारा टेक ओवर किया है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेजेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हम भी चाहते हैं कि ज़िला के किश्तवाड़ में भी जो है वो मचेल माता के नाम पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शाह फरीदीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर यूनिवर्सिटी बने, और शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कॉलेजेस खुले, ताकि जो किश्तवाड़ भी जो है वो एक एजुकेशन का हब बने और पिलग्रिमेज टूरिज्म का भी हब बने। मैं बता दूं पिछले दिनों जब हम स्किना यत्तू मैडम से मिले, तो हमने उनसे जो किश्तवाड़ का कैंपस है उसको लेकर जो है वो डिटेल डिस्कशन की, और उसको रिक्वेस्ट की कि उसको जो है वो पूरा फुल फ्लेज जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो कन्वर्ट किया, जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दी। और उसके साथ साथ हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि किश्तवाड़ में भी जो है वो एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, जब बाकी जगहों पर दिए गए तो किश्तवाड़ को जो है वो उस वक्त इग्नोर किया गया था, जब 5 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए थे तो उसको जो है यहाँ पर किश्तवाड़ में मेडिकल कॉलेज जो है वो दिया जाए, ताकि यहाँ पर भी जो है लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। उसके अलावा हमने बात की है, यहाँ पर ऑलरेडी कैंसर हॉस्पिटल जो है वो सैंक्शन था, जो गुलाम नबी आज़ाद के UPA 2 के दौर में जो है वो सैंक्शन हुआ था, जब गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर थे किश्तवाड़ के लिए और कुपवाड़ा के लिए। लेकिन अभी पिछले
पिछले 12-14 सालों में उस पर भी जो है वो कोई काम नहीं हुआ, और वो हॉस्पिटल भी जो है वो पॉलिटिकल रिफ्ट के बीच में जो है वो ख़त्म हो गया। हालांकि बाली भगत जो हेल्थ मिनिस्टर थे यहाँ पर पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में, उन्होंने जो है वो उस वक्त यहाँ पर स्टोन फाउंडेशन भी जो है वो डाला था, तो लेकिन वो प्रोजेक्ट वहाँ कहाँ गया। गामा यूनिट यहाँ के लिए ऐलान किया गया था, वो प्रोजेक्ट कहाँ गया था। नायगढ़ का पानी के लिए उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने 55 करोड़ दिए थे, वो पानी आज तक कहाँ है, उस पर भी जो है वो हमारी बात हुई है। जावेद राना साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर उसमें भी एक इंक्वायरी आर्डर की है और स्टेटस मांगा है। इंशाल्लाह उसमें भी जो है वो एक फुल फ्लेज इंक्वायरी होगी और किश्तवाड़ के जो मसले हैं उनको जो है वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह जो किश्तवाड़ में पानी की किल्लत है उसको लेकर जो है वो हम पूरा जो है वो गवर्नमेंट के साथ, जो मैंने जो पहली मीटिंग हुई ऑनरेबल पीएचई मिनिस्टर जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है जावेद राना साहब, उसमें हमने किश्तवाड़ के पानी के ही इशू को जो है वो उठाया। उसमें वहाँ पर मेरे साथ शान सजाद पिछलू और इबादुर रहमान भी जो है वो साथ थे, और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि वो पीर पंजाल के टूर के बाद चिनाब वैली के टूर पर भी आएंगे और किश्तवाड़ का भी जो है वो दौरा करेंगे। वहाँ पर वो डिटेल रिव्यू मीटिंग लेंगे और जो भी कुछ करने की ज़रूरत होगी, जावेद राना साहब ने इस बात की यकीन दहानी दिलाई है कि वो जो है वो यहाँ की चीज़ों को देखेंगे। इसी तरह से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने भी जो है वो किश्तवाड़ को लेकर जो है वो एश्योरेंस दी है कि वो भी जो है वो किश्तवाड़ की तरफ जो है वो अपनी पूरी जो है वो इंटरेस्ट रखेंगे, और जिस तरह से जम्मू की डिवेलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर की डिवेलपमेंट होगी, उसमें पूरा हिस्सा जो है वो किश्तवाड़ का भी होगा। और मैंने उनके साथ कुजुज आफ्ती जो सड़क है वो भी जो है वो उठाई है, क्योंकि जब मैं वर्डवन गया था वहाँ पर एक शख्स, बेबस शख्स मुझको मिला था, उसने रिक्वेस्ट की थी जो कुजुज और आफ्ती की सड़क है उसको लेकर जो है वो बात करें, और हमने वो बात भी की है और वो हमारी नज़रों में भी है। इस वक्त जैसे कि मैं ये विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंथन टॉप के लिए जो सड़क है, हम किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से जो है वो हम इस एरिया को भी जो है वो साथ साथ में प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ से तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के ज़रिए जो है वो हम लोगों तक जो है वो यहाँ की बात पहुँचाए, यहाँ के लोगों को जो है वो ये खूबसूरत नज़ारे जो साथ साथ आप देख रहे हैं, जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो आपको मैं पीछे से वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इसमें जो है वो हम कोशिश रहेगी कि हर चीज़ को जो है वो हम कवर करें। ये देखिए जैसे कि ये लगातार आप देखिए कितनी ज़बरदस्त जो ये सड़क है, और इसको अब मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम जो है वो ड्राइव जहाँ पर जो है वो केयरफुली करें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी जो है वो स्पीड के साथ ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो है वो स्पीड एक मोहतात रखने की ज़रूरत है, और सड़क पर जो है वो केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सड़क बड़ी ज़बरदस्त है। इस पर कुछ लोग जो है वो एक्सीलरेटेड स्पीड करके जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस सड़क में जो है वो काफ़ी कर्व्स है। और इंशाल्लाह जल्दी संगपुरा वायलू टनल पर काम शुरू होगा, उसकी जो बिल्डिंग का प्रोसेस है गवर्नमेंट उसको देख रही है, और इसमें जो है वो ये इशू जो है वो हमने जो पॉलिटिकल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नासिर असलम वानी साहब है, और जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक साहब, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के, और जो MLA भी है, वो उनसे भी जो है जब हमने ये बात की तो उन्होंने इस बात के लिए जो है वो यकीन दहानी दिलाई कि वो ये सब चीज़ें जो है वो देखेंगे। और क्योंकि अभी दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इसलिए काफ़ी डिसीजंस जो है वो नहीं उठा पा रही है, क्योंकि जो बिजनेस रूल्स जो है वो अभी नोटिफाइड नहीं हुए, उसमें ये जो है वो डिसाइड किया जाता है कि उसमें किस मिनिस्टर को क्या पावर रहेगी, सेक्रेटरी को क्या पावर रहेगी, कमिश्नर सेक्रेटरी को क्या पावर रहेगी, चीफ सेक्रेटरी को क्या पावर रहेगी, कौन सी ट्रांसफर जो है वो कैबिनेट में जाएगी, कौन सी ट्रांसफर जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, कौन सी जो ट्रांसफर हैं वो LG के अप्रूवल के बाद जो है वो होंगी, या अगर स्टेट यहाँ फुल फ्लेज आती है तो उसके लिए जो भी जो है वो एक ड्राफ्ट जो है वो पॉलिसी जो है वो की जाएगी कि कब कितना टाइम जो है वो लगेगा, क्योंकि जिस तरह से जब स्टेट से UT कन्वर्ट हुई थी तो उस वक्त भी 2-3 महीने जो है वो प्रोसेस में लगे थे, तो वो प्रोसेस भी जो है वो देखा जाएगा, उसको भी जो है वो किया जाएगा।
वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम कैसे हो बस हुसैन नगर तक नवनी रोड कुछ का गाड़ी ना कहां है गाड़ी ना कहां है ये सेडान टाइप है ना मैं दूर से ध्यान नहीं ना ध्यान ही रोड आप देख सकते हो आज काफ़ी कम गाड़ियां जो है वो यहां से चल रही हैं और इक्का दुक्का ही गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इस वीडियो की तरफ था। तो आप देख सकते हो यहां पर जैसे कि ये गाड़ी आ रही है, हम चाहते हैं कि लोग जो है वो मैं अवेयरनेस इससे करना चाहता हूँ क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। यहाँ पर जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर जितनी भी सवारियाँ होती हैं वो सारी की सारी जो है वो उसमें जान से जो है वो हाथ धो बैठती है और अगर कोई ज़ख्मी होता है तो वो फैटलिटीज़ ही होती है और वो शख्स जो है वो फिर उम्र भर के लिए जो है वो बेकार रहता है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि इन एरियाज़ पर जो है वो ओवरलोडिंग को चेक किया जाए, जो स्पीड ड्राइव है उसको चेक किया जाए। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, ख़ासतौर पर जो सिंथन की सड़क को लेकर और जो मरगन टाप की सड़क को लेकर जो है वो वहाँ पर मोहतात रहे, ड्राइवर हजरात मोहतात रहे, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो आम शख्स हो, चाहे वो अपनी गाड़ी ही क्यों ना चला रहे हो, क्योंकि जब आप खुद सफ़र कर रहे होते हैं तो साथ में आपकी फैमिलीज होते हैं, साथ के आपकी यार दोस्त होते हैं, उनको जो है वो देखने की ज़रूरत है, उसमें जो है वो मोहतात बरतने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि इसमें जो है वो प्रोटेक्शंस लगाई जाए, सड़क के जो क्रैश बैरियर्स जो है वो लगाए जाए, जो क्रैश बैरियर्स है वो इस वक्त सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर। और उसके अलावा हम पैरापेट्स की भी बात करते हैं जहाँ पर जो डंगे वगैरह खिसक जाते हैं वहाँ पर नीचे से सड़क अक्सर खिसक जाती है, तो फिर वो सड़क जो है वो फिर वहाँ से निकलती जाती है। तो इस पर भी जो है वो देखने की ज़रूरत है क्योंकि अब ये इसको नेशनल हाईवे का स्टेटस है, यहाँ से टोल प्लाजा के ज़रिए जो है वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये पैसे जो है जितना वो कलेक्ट करते हैं कम से कम उसका 50% भी जो है वो बाद में वापस उसको लौटाए। और हम खुशकिस्मत है कि नितिन गडकरी जी की सरबराही में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और टनलें जो है वो बन रही हैं, सुदमादेव टनल भी जो है वो बनेगी, फिर उसके बाद जम्मू किश्तवाड़ का सफ़र भी जो है वो आसान हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो द्रापशाला के सड़क गुजरती है और जो किश्तवाड़ टू ठाठरी सड़क है और ठाठरी टू डोडा, उसमें भी जो है वो काफ़ी खस्ता हालत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उसमें भी जो है वो देखने की ज़रूरत है, काम एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है ताकि वो सड़क भी जो है वो आमदोरफ्त के लिए जो है वो अच्छी सड़क बन सके ताकि लोग जो है वो सफ़र जो है वो आसानी से कर सके और जो मुश्किलात लोगों को होती हैं इस सफ़र में, जो दुश्वारियां होती हैं, वो सफ़र जो है वो आसान हो जाए। ये हम लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं सिंथन के सफ़र की और साथ साथ में हम लोगों के इश्यूज और जो प्रायोरिटीज़ है वो भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हम जंगलों की तरफ भी जो है वो अपना ध्यान दें, जो फॉरेस्ट है हमारे वो हमारे लिए जो है वो लाइफ लाइन है, अगर फॉरेस्ट बचेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ भी जो है वो बचेंगी। और हम चाहेंगे कि फॉरेस्ट में जो है वो लोग जो जंगल काटते हैं, जंगलों में आग लगाते हैं, उससे जो है वो बाज रहे और अपने जंगलों की हिफाजत कीजिए। और मेरी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं जंगलों में चोरी करने के लिए, समंगलर्स के साथ मिलकर लकड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो केसेस है जो गवर्नमेंट डिपोज में सेंक्शन ऑफ वुड के लिए पेंडिंग है, टिम्बर के लिए पेंडिंग है, हम चाहेंगे उनको जो है वो क्लियर किया जाए। जिस तरह से पिछले दिनों डेफो मड़वा ने जो है वो कुछ केसेस जो है वो क्लियर किए थे और लोगों को जो है वो दिए थे जो लकड़ी सेंक्शन थी उनको दिए थे, तो इसलिए मेरी डिपार्टमेंट से जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो इस तरफ देखें। और साथ में लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आज ड्राई सीज़न है तो आप अल्लाह के लिए जो है वो ऐसा ना करें, जंगलों में जो है वो आग ना लगाएं और जंगलों की समंगलिंग से जो है वो बाज आए। हम लगातार इस सफ़र को जो है वो जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला जो भी इस रास्ते पे चलता है, जो भी इस रास्ते पे सफ़र करता है, कहीं भी सफ़र करता है, उनको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो सेफ एंड सोन जो है वो अपनी मंजिलों तक पहुँचाए। और जो रात को कुछाल में जो आग की जो वारदात हुई है, वहाँ पर जो आग का सानिया हुआ है, हमारी हमदर्द
कर दिया, उनके साथ है। इंशाल्लाह जो भी फंड रेजिंग का होगा या जो भी उनकी मदद होगी उनके लिए जो है वो हम आगे आएंगे। इसके लिए हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी ने आज ऑलरेडी कुछ सामान और कपड़े और कुछ बिस्तरा जो है वो डिस्पेच किया है। अब अबीर भी जो है वो करने जा रही है, हम जो है वो इसमें लगे रहेंगे और इंशाल्लाह उनको जो है वो तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। उनके केसेस को भी जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उठाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।